सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। सीमेंट मजदूर संघ निम्बाहेड़ा के तत्वधान में जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर जिले में कार्यरत न्यूवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लाफार्स इंडिया सीमेंट उद्योग द्वारा करीब 150 श्रमिकों को लॉकडाउन की अवधि का बकाया वेतन दिलाने की मांग करते हुए पुनः कार्य पर रखने का अनुरोध किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार लॉकडाउन की अवधि में जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड के भावलिया गांव स्थित न्यूवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लाफार्स इंडिया सीमेंट उद्योग द्वारा फैक्ट्री में कार्यरत करीब 150 श्रमिकों को फैक्ट्री में आने से मना कर दिया गया था। अब जबकि देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है और अब उद्योगों में उत्पादन भी प्रारंभ हो गया है, वहीं कुछ ठेकेदार नई भर्तियां भी कर रहे हैं, जबकि पहले से कार्य कर रहे श्रमिक घर बैठे हुए हैं। जो पहले से इन उद्योगों में कार्यरत थे उनमें से करीब 150 से अधिक श्रमिकों का लॉकडाउन की अवधि का भुगतान भी नहीं दिया जा रहा है और न ही उन्हें पुनः काम पर लिया जा रहा है। जिनमें सभी श्रमिक उद्योग में मोनोमार्क इंजीनियरिंग, बासु इंजीनियरिंग, महाराजा इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल, दुर्गा इलेक्ट्रिकल, सर्वोदय माइनिंग सहित कई अन्य ठेका कंपनियों ने श्रमिकों को लॉकडाउन की अवधि का भुगतान नहीं किया है। श्रमिकों ने ज्ञापन में अनुरोध किया है कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान बंद किए गए सभी श्रमिकों को पुनः कार्य पर वापस रखा जाए और उनका पूरा भुगतान दिलवाया जाए। सीमेंट मजदूर यूनियन की तरफ से मैं उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह। मामला ये है सर के 22 मार्च को जो लॉकडाउन हुआ तो उसमें से बहुत से 150 से अधिक श्रमिक अभी भी घर बैठे हैं, ना तो उनको रोजगार मिल रहा है, ना उनको कार्य पर बुलाया जा रहा है और ना ही लॉकडाउन का पेमेंट दिया जा रहा है। कहाँ कहाँ का मामला है ये? नुवाको सीमेंट प्लांट लापार से। और अब क्या मांग ये है कि बंद बैठे घर बैठे आदमियों को आप नौकरी पर लो और लॉकडाउन का पेमेंट दो। प्रशासन से बात हुई आपकी? प्रशासन से हम अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, फिर शर्मा तो देंगे। सीमेंट प्रशासन से कोई बात हुई इस बारे में? बात हुई है सर, अभी आनाकानी कर रहे हैं, वो लेने के लिए मना कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान एक भी रुपया नहीं दिया? हाँ नहीं दिया। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही, बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।